टीचर दैट इज क्लियरली ऑडिबल। ओके बेटे, सो वी विल कंटिन्यू विद द असाइनमेंट, बट प्रायर टू दैट यू नो देयर वर वन क्वेश्चन लास्ट टाइम ऑन द टॉपिक ऑफ लुक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, एंड आई एम श्योर यू विल श्योरली लर्न द न्यू थिंग्स इवन इफ यू नो दिस आर्टिकल। ओके, प्लीज सेटल डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। सो द फर्स्ट थिंग इज इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी हैव यूज्ड ए वर्ड रिफ्लेक्शन, राइट? बट लेट मी टेल यू दिस प्रोसेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्शन। इट इज नॉट ए रिफ्लेक्शन इन रियल सेंस। इट इज TIR इज द स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन, अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोसेस। एंड वन मोर थिंग, एज इन दिस स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन द रे डायग्राम अपियर्स टू बी लाइक रिफ्लेक्शन, अपियर्स, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन अपियरिंग लाइक रिफ्लेक्शन। हालांकि रियलिटी में रिफ्रेक्शन है, तो इसीलिए ये वर्ड यूज करा हमने TIR। ठीक है, और सेकंड थिंग देखो बेटे, व्हेन यू हैव टू डिस्कस द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द सेकंड लर्निंग पॉइंट, सो रे ऑफ लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर, राइट? और मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड विद डेंसर एंड रेयरर मीडियम। लेट मी टेल यू देयर इज वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ डेंसर एंड रेयरर मीडियम। जिसमें लाइट का वेलोसिटी कम होता है वो डेंसर मीडियम। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर है। नो 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 नो, ऑप्टिक्स में ये डेफिनेशन नहीं चलेगा। डेंसर मीडियम वो होएगा जिसमें लाइट का वेलोसिटी कम है, रेयरर मीडियम वो होएगा जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, वो जो आप या कई कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर मीडियम, ऐसा नहीं है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, नंबर वन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम पढ़ेंगे कि लाइट शुड ट्राई टू गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सबसे पहले हम इसको नॉर्मली स्टडी करते हैं बच्चे, नॉर्मली स्टडी करते हैं। लुक हियर, शाबाश, योर अटेंशन, प्लीज सेटल डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। हियर आई एम ड्राइंग द नॉर्मल लुक। नॉर्मल इज ऑलवेज मेकिंग 90 डिग्री एंगल। दिस इज योर व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज योर व्हाट, एंगल ऑफ ग्लास। बोथ एंगल्स आर इन द डेंसर मीडियम। अब हम सभी को पता है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। अब सबसे खास बात यह है बेटे, जैसे जैसे मैं इस सोर्स को ऊंचा उठाऊंगा डेंसर मीडियम में, जैसे सपोज करो पानी के अंदर मैंने LED पकड़ा हुआ है और उसको मैं धीरे धीरे ऊपर उठाऊंगा, तो I इंक्रीज होएगा। तो क्या देखा हमने कि जैसे जैसे मैं आई को इंक्रीज करता हूं, व्हाट हैपेंस, आर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, आर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। आई को इंक्रीज करने से आर को भी, बच्चे कोई बच्चा कहता है सर क्यों करना पड़ेगा, तो उसको मैं बताना चाहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर ये कभी चेंज नहीं होता जब तक कि हम मीडियम्स को चेंज नहीं करते। जब तक हम मीडियम को चेंज नहीं करते तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर कभी चेंज नहीं होएगा। और इसके इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्नेल्स लॉ का सभी बच्चों को पता होता है। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। ठीक है बेटे, अब देखो जब ये चीज कांस्टेंट ही होगी, कांस्टेंट कब, फॉर ए गिवन पेयर, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे कोई बच्चा बोले सर क्या मतलब आपका, तो मैं कहूंगा बेटे मान लो ये कांच है, ये पानी है, या फिर ये पानी है या एयर है। एक बार हमने फिक्स्ड मीडिया ले लिया, पेयर ऑफ मीडिया, तो इसका म्यू फिक्स होता है। अब सपोज करो मैं आई को चेंज करता हूं, तो अकॉर्डिंगली आर को चेंज करना पड़ेगा ताकि इस रेशियो का आंसर वही रहे
जो एक बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर ए गिवन मीडियम. सो दैट इज वाई टीचर इज सेइंग व्हेन आई इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस. गॉट इट? और दूसरी बात ये, धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन होती है जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच जाता है. योर अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जो मैं आप बताने लगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसी स्पेशल वैल्यू पे पहुंच जाता है, लेट्स कॉल इट आई डैश, तब रे ऑफ लाइट इस एज के अलोंग चले जाती है. एज के अलोंग का मतलब, नाइदर इट रिमेन्स इन द डेंसर मीडियम नॉर इट रिमेन गोज इन टू द रेयर मीडियम, इट ग्लो गोज अलोंग द रिफ्रेक्टिंग एज. तो कोई बच्चा कहेगा सर दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री हो गया एग्जैक्टली यहां पर. आई वुड से यस, 90 डिग्री हो गया. कोई बच्चा बताएगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस. और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए एग्जैक्ट, तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की स्पेशल वैल्यू को, आई डैश को, हम सी से लिखते हैं बेटे. सी इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. एवरीबॉडी नोज क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम्स एग्जैक्टली 90 डिग्री. अब टीचर ने पूछा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं. शाबाश, फाइव सेक्शन सिंगल क्वेश्चन, फाइव सेक्शन सिंगल क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस. देख अभी तक ये मत, लाइट याद रहे, लाइट अभी डेंसर मीडियम में वापस नहीं आई. कोई भी बच्चा गलती से भी इसको TIR मत बोल देना. अभी लाइट जा रही है अलोंग द एज. एनीबॉडी एनीबॉडी बेटे, चलो स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है. टॉप 10, नहीं। बोलो बोलो बोलो. शाबाश, हिंट दूं? हिंट, चलो हिंट है बेटे. इस प्रोसेस का नाम जी से शुरू होता है, जी से. नौ बच्चे, नौ. सो शायद भूल गए आप, इस प्रोसेस का नाम होता है ग्रेजिंग. ग्रेजिंग प्रोसेस बोलते हैं बच्चे जब रे ऑफ लाइट अलोंग दी एज जाए, ना तो रेरर में आए ना तो डेंसर में. तो ग्रेजिंग प्रोसेस के बाद जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज मीन्स मैंने अब सोर्स ऑफ लाइट को यहां से भी ऊंचा उठा देना डेंसर मीडियम में. मैं जब इसको और ऊंचा उठाऊंगा, व्हाट हैपेंस, अब यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया ना आई डबल डैश, तो आई डबल डैश बिकम्स इवन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो ये रे ऑफ लाइट वापिस डेंसर मीडियम में आती है. गॉट इट? तो यहां पर हमें ऐसे लगता है जैसे लाइट मिरर से टकरा के नीचे आ गई. सो इस केस में तो हमारे पास TIR की टू कंडीशंस निकली. TIR हैपन्स कब बेटे? हैपन्स इफ, पहली बात क्या बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन सी. सेकंड बात, जो रे ऑफ लाइट है हमारी उसकी कोशिश क्या होनी चाहिए, किधर से किधर इंसिडेंट होनी चाहिए, वो डेंसर मीडियम टू रेयरर की तरफ जाने की कोशिश कर रही हो. दो पॉइंट हो गया, अब वापस आ गया यहां पर. तो अब गौर से देखो, जिस मीडियम से लाइट गई उसी में वापस आ गई, इसलिए वर्ड इंटरनल लगता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की ये टाइप ऐसे लगता है जैसे मिरर से टकरा के आ जाए, इसलिए रिफ्लेक्शन वर्ड लगा. अब सवाल ही पैदा हो गया कि टोटल वर्ड क्यों लगा. टोटल टोटल इसलिए लगा बेटे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी के ऊपर लाइट की प्रैक्टिकली एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एट पी पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एट पी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू प्रैक्टिकली जीरो. जीरो प्रैक्टिकली बच्चे, आप सुन के हैरान रह जाओगे कि ये वाली जो लाइट होती है दैट इज 99% डेंस, डेंस इंटेंसिटी उसकी, ओके, ऑफ इंसिडेंट रे, ऑफ इंसिडेंट रे. तो ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंट पर्सन भी जज नहीं कर सकता कि इन दोनों में से कौन सी इंसिडेंट लाइट है और कौन सी रिफ्रेक्टेड, इतनी ब्राइट होती है. तो तीनों वर्ड्स को मिलाकर हम बोलते हैं TIR. गॉट इट? तो सभी सभी बच्चे ओपन करो कॉपीज, कॉपीज. शाबाश,
आपको मेन मेन चीज क्या नोट करनी है, व्हाट इज ग्रेजिंग, शाबाश। सेकंड पॉइंट क्या, व्हाट आर दी टू कंडीशंस फॉर द टीआईआर, टू कंडीशंस, शाबाश बेटे, राइट। और थर्ड पॉइंट क्या, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी, प्रैक्टिकली नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और अगर इसके ऊपर आप फोर्थ पॉइंट मेरे से पूछो तो इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है बेटे इसकी। तो एप्लीकेशन है ऑप्टिक फाइबर, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है। एक होती है माइक्रो होल सर्जरी, माइक्रो होल सर्जरी, ठीक है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में एंडोस्कोपी बोलते हैं बच्चे। एक होती है बेटे मिराग इफेक्ट, ठीक है, एक क्या होती है डायमंड ग्लिटरिंग, डायमंड ग्लिटरिंग, डायमंड की वो चमकता। इन सभी में से कोई भी वर्ड आ जाए, चलो चार ही लिख लो आप, तो उनका कारण आपने क्या लिखना है, टी आई आर। ऑल दीज फिनोमिनाज आर बिकॉज ऑफ टी आई आर। अच्छा बेटे कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं कुछ नोट ही नहीं कर रहे, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे नोट नहीं कर रहे मेरी बात ध्यान से सुन लेना, चाहे ना नोट करना उसके बाद, चाहे ना नोट करना पर मेरी बात ध्यान से सुन लो। 72 आवर्स के बाद आपको सिर्फ 24% याद रहता है लेक्चर। 72 आवर्स के बाद सिर्फ 24%, और पेपर तक कितना का याद रहेगा तुम इमेजिन कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, मैंने साइंटिफिक फैक्ट बता दिया। आफ्टर 72 आवर्स यू रिमेंबर ओनली 24% ऑफ द लेक्चर, बाकी आपकी मर्जी है भाई। अब हम चलते हैं शाबाश बेटे, हम चलेंगे पेज नंबर 4 पर असाइनमेंट के, पेज नंबर 4 पर एज क्विकली एज पॉसिबल, पेज नंबर 4 एज क्विकली एज पॉसिबल। वी विल मूव टू द अजर्शन रीजन, अजर्शन रीजन, शाबाश, अजर्शन रीजन। सभी बच्चे पढ़ेंगे एक बार, तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं बेटे। शाबाश, प्लीज ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन अकर्स व्हेन द लाइट स्पीड, लाइट चेंजेस इट्स स्पीड एज इट एंटर्स इन डिफरेंट मीडियम्स। बोलो 25 क्वेश्चन का अजर्शन सही है कि नहीं, हमें वो रिफ्रैक्शन का कारण बता रहा है कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट होती है। बोलो सही है या नहीं बेटे, इफ यू थिंक इट इज करेक्ट प्लीज रेज योर राइट हैंड, इफ यू थिंक अजर्शन इज करेक्ट प्लीज रेज योर राइट हैंड। कोई कर ही नहीं रहा बच्चे, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ तो एक बच्चा, दो, तो शाबाश 10-12 बच्चे हो गए, तो 5 सेक्शंस में से 12 बच्चे ये बता रहे हैं कि अजर्शन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ओके। सेकंड इज रीजन, रीजन में ये बोलता है डिस्पर्शन रिजल्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड्स इन द गिवन मीडियम काजिंग देम टू बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। ये भी बिल्कुल सही है, हमने काचीज इफेक्ट में पढ़ा था ये चीज, काचीज फार्मूले में, ठीक है। सो अजर्शन भी करेक्ट और रीजन भी करेक्ट। और अगर कोई बच्चा पूछे इसका एक्सप्ला, चलो ये तो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अजर्शन रीजन दोनों को देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। अजर्शन, अ ग्लास प्रिज्म डिस्पर्सिस लाइट इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स बिकॉज इट एक्ट्स एज ए डाइवर्जिंग मिरर। बोलो सही है या गलत है बेटे, बेटे शाबाश। 26 का अगर रॉन्ग है ना, अगर रॉन्ग है तो लेफ्ट हैंड खड़ा करो, अगर रॉन्ग कहते हो तो लेफ्ट हैंड खड़ा करना है बेटे, अगर राइट कहते हो तो राइट हैंड।
शाबाश। मैक्सिमम ये नाइन्थ कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नहीं दिख रहा शायद। एफ सेक्शन में सभी बच्चे कह रहे हैं ये सही है। ग्लास प्रिज्म डिस्पर्सिस लाइट इनटू सेवन कंस्टिट्यूएंट कलर्स बिकॉज इट इज एक्टिंग एज डाइवर्जिंग मिरर। बेटे मिरर कहाँ होता है प्रिज्म? आप सही कैसे कह रहे हो इसको? मिरर थोड़ी होता है प्रिज्म। सो दिस इज रॉन्ग। ओके मिरर लगाओ। दूसरी बात, रीजन द शेप ऑफ द प्रिज्म काजेज लाइट ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ टू बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स लीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ कलर्स। ये ठीक है, ठीक है ना? ये देखो प्रिज्म का शेप होता है तो यहां से वायलेट कलर को लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है प्रिज्म को, और रेड कलर को सबसे छोटा डिस्टेंस। ये रेड इतना कवर करता है और वायलेट इतना करता है सबसे लंबा। ओके सो दिस इज दी आंसर फॉर 26। 25 भी हो गया बेटे, लेट्स मूव टू 27। 27 का अजर्शन देखते हैं, रीजन देखते हैं। शाबाश। द डिफरेंट कलर्स ऑफ सनलाइट रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट इनसाइड द रेन ड्रॉप काजिंग ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स दैट वी कॉल रेनबो। बोलो यस या नो, ट्रू के नहीं बेटे? 27 का अजर्शन ये कह रहा है कि जो रेनबो है ना, रेनबो वो पानी की लटकी हुई बूंदे होती हैं जो बारिश के बाद उसमें रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन की वजह से पैदा होता है। बोलो यस या नो। हाँ ये शाबाश शाबाश शाबाश। अगर आप समझते हो करेक्ट है तो राइट हैंड, रॉन्ग है तो लेफ्ट हैंड। बेटे कोई तो जवाब दो दोनों में से। कुछ बच्चे एक भी हाथ नहीं खड़ा करते, ये गड़बड़ है बेटे। पार्टिसिपेट करना सीखो, अभी बहुत कम दिन रह गए हैं पेपर में बेटे। सो अजर्शन इज करेक्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा रेनबो के बारे में, योर अटेंशन। रेनबो ऐसे रेन ड्रॉप्स होती हैं तो यहां से रे ऑफ लाइट आई, हवा से पानी में गई, रेयर टू डेंसर ऐसे गया, यहां पर TIR हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे, गॉट इट? फिर बेटे ऐसे, तो एक बार TIR हुई, दो बार रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है? और इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी एक और होता है जिसमें सनलाइट यहां से एंटर करती है, यहां टकराई, यहां टकराई बच्चे, एक बार TIR, यहां TIR, फिर यहां से ऐसे होती हुई ऐसे आएगी, यहां पर दो बार TIR, दो बार रिफ्रैक्शन, ये सेकेंडरी रेनबो होता है। सेकेंडरी रेनबो, ठीक है? ये जो मैंने सर्कल दिखाए हैं ये क्या है? रेन ड्रॉप्स। और ये क्या आ रही है दोनों की दोनों, ये वाली दोनों, ये सन से आ रही लाइट होती है, और ऑब्जर्वर की जो पीठ होती है वो सन की तरफ होनी चाहिए, बैक इधर होना चाहिए, फेस इधर होना चाहिए उसका। ओके और नेचुरली जब मॉइस्चर होएगी तभी ये दिखेगा रेनबो। तो अगला कहता है रेनबोज आर फॉर्म्ड आफ्टर द रेन। बिल्कुल सही, आफ्टर द रेन होएगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश नहीं होती लेकिन आसमान में ड्यू ड्रॉप्स होती हैं। ड्यू ड्रॉप समझते हैं, ओस की बूंदे, शबनम भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों सही हो गए इसमें बेटे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अजर्शन रीजन, अजर्शन रीजन, शाबाश। ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेस्ड ऑन देयर मटेरियल प्रॉपर्टीज बट डिस्पर्शन प्राइमरीली अकर्स व्हेन द लाइट पासिस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें यह कहना चाहता है कि एक व्हाइट लाइट का सेवन कलर्स में टूटना ये तभी मुमकिन है जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, जैसे कि प्रिज्म। बिल्कुल सही। दूसरी बात कहता है कि अगर अलग अलग चीजों के अलग अलग कलर हैं, इस दीवार का कलर व्हाइट है, सॉरी ब्राउन है, टेबल का कलर ब्लैक है और पीछे व्हाइट है, तो इसका कारण यह होता है कि मटेरियल के कंस्ट्रक्शन मटेरियल की नेचर अलग अलग होने की वजह से वो एक पर्टिकुलर अलग वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करते हैं और अलग वेवलेंथ रिफ्लेक्ट करते हैं। स्पेसिफिकली रिफ्लेक्शन वाली जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, इसीलिए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमें अलग अलग टाइप के दिखते हैं। बिल्कुल सही।
डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल डिफरेंट मटीरियल रिफ्लेक्ट डिफरेंट एंड अपियर डिफरेंटली। तो रीजन अजर्शन सही है इसका। रीजन देखते हैं, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी आर डिटरमिंड बाय द डिस्पर्शन ऑफ लाइट विद इन दीज ऑब्जेक्ट्स। ये गलत हो गया बच्चे। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कलर डिस्पर्शन पे नहीं डिपेंडेंट, बल्कि इस चीज पे डिपेंडेंट है कि वो कौन सा कलर अब्सॉर्ब कर रहा है, कौन सा छोड़ रहा है। अब कोई बच्चा मेरे से पूछे, सर ये कैसे पता लगेगा कौन सा कलर अब्सॉर्ब करता है, कौन सा रिफ्लेक्ट करता है? तो उसके लिए आप इंटरनेट से एक सर्कल डाउनलोड कर लेना, उसका नाम होता है सर्कल ऑफ कॉम्प्लीमेंट कलर्स। कौन सा बेटे? नोट कर लो, नोट कर लो, सर्कल ऑफ कॉम्प्लीमेंट कलर्स। ठीक है, जब आप इस इंटरनेट को डाउनलोड करोगे, अब ध्यान से सुनना, इधर इधर देखो, ये ऐसे सर्कल बना होगा, इसमें छोटी छोटी ट्रायंगल्स बनी होंगी डिफरेंट कलर्स की। गॉट इट? मान लो आपका ये वाला कलर एब्जॉर्ब हो गया, ये वाला, ठीक है, ये कलर क्या हो गया, पकड़ लिया ऑब्जेक्ट ने। तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे हमें, जो इसकी बिल्कुल सीध में यहां पर कलर पड़ा होगा, ये उसका कलर होगा कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, डायमीटर के अलोंग एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल ले लिया, जो इस ट्रायंगल का कलर होएगा उसके डायमेट्रिकली जो अपोजिट ट्रायंगल होगी, अगर ये अब्सॉर्ब हुआ तो ये विजिबिलिटी होगी उस ऑब्जेक्ट के कलर, और अगर ये अब्सॉर्ब हुआ तो वो विजिबिलिटी होगी। ठीक है बेटे, तो ये याद रखना आपने। कौन सा बोला टीचर ने? सर्कल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में अजर्शन और रीजन के बारे में बात करते हैं। ए क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर ए प्रिंटेड पेज, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्यूब विल द लेटर्स अपीयर सीन अबव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ध्यान से सुनना, ये जरा अलग से है क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखना, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बच्चे, मान लो ये ग्लास स्लैब है, कांच का स्लैब है, गॉट इट? और इस कांच के स्लैब की ये टोटल एक्चुअल डेप्थ है, या विड्थ कह लो, डी एक्चुअल, तो ये मेरे पास गिवन है। और यहां इसके नीचे बेटे मैंने एक कागज रख दिया बिल्कुल ऐसे, और उसके ऊपर रेड कलर का मार्क लगा दिया। याद रहे ये कागज इस ग्लास स्लैब के बिल्कुल बॉटम पे रखा है, मैंने दिखाने में आपको जरूर जरूर कर दिया। अब इस कागज को इसके नीचे ऐसे चिपका दिया एक तरह से, तो यहां पर इसका रेड स्पॉट है। ठीक है, अब गौर से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ डीप दिस रेड स्पॉट इज, रेड मार्क इज, तो तुम कहोगे सर जितनी इसकी ग्लास स्लैब की डेप्थ है उतना होएगा। अब ध्यान से सुनना, जो लाइट तो बिल्कुल परपेंडिकुलरली हिट करेगी सरफेस पे, वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। गॉट इट बेटे? जो लाइट लेकिन टिल्टेड में जाती है, देखो सारी तरफ जाएगी, यहां से एक लाइट जो ऐसे गई, ध्यान से देखो, रेयरर से डेंसर में, सॉरी डेंसर से रेयरर में गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो मैंने ये अवे फ्रॉम नॉर्मल कर दी। गॉट इट? तो इंसान की आंख में जब ये लाइट एंटर करती है, तो इंसान की आंख सोचती है स्ट्रेट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, वो यहां पर सोचेगी देखो मैंने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया स्ट्रेट लाइन। फिर से ड्रा करते हैं, बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। यहां से वो सोचेगा यहां पर, तो आंख को लगेगा इस जगह से लाइट आ रही है ऐसे, इस जगह से लाइट आ रही है ऐसे, तो आंख ये सोचती है कि रेड मार्क यहां पर है बेटे, रेड मार्क यहां पर। तो आंख को कितनी गहराई पर रेड मार्क दिखेगा? डी अपेरेंट, डी अपेरेंट, अपेरेंट डेप्थ होगी ये, एक्चुअल में क्या थी? डी एक्चुअल डेप्थ। अब ये जो मटेरियल होता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू डी एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय डी अपेरेंट। कितनी गहराई पर असल में ये रेड पॉइंट है,
और कितनी गहराई पर आंख को दिख रहा है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से उसको कम डेप्थ पर देखेगा। कभी कभी छोटे बच्चे ये गलती कर देते हैं, खेलते खेलते छोटे से तालाब में पानी बॉल गिर गया उनका, और वो उनको लगता है ये तो बॉटम पास ही है पानी का, जंप मार देते हैं उसमें बॉल निकालने के लिए। तो जितनी डेप्थ दिखती होती है ना, उससे कहीं ज्यादा होती है डेप्थ, और वो बच्चा डूब भी सकता है। हमेशा छोटे बच्चों को अगर खेलते देख लो आप, 7th 8th तक के बच्चों को, उनको हटा दो कि पानी के पास नहीं खेलना, और अगर पानी में बॉल गिर भी जाएगी तो आपने नहीं निकालनी, किसी बड़े बंदे ने निकाल, क्योंकि अपियरिंग डेप्थ इज ऑलवेज क्वाइट लेसर देन द एक्चुअल डेप्थ। ओके, सो ये था। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। अ क्यूब ऑफ 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर ए प्रिंटेड पेज। तो इसको उसने 6 सेंटीमीटर दे दिया एग्जैक्टली। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस, तो बस ठीक है। ये डी अपेरेंट पूछ रहे हैं हमसे, डी अपेरेंट, और ये हमें दे दिया उसने 1.5, और ये कितना दे दिया बेटे, डी एक्चुअल 6 सेंटीमीटर। बस सॉल्व कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। सो डी पी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.5, सो कितना हो गया डी अपेरेंट बेटे, 4 सेंटीमीटर दिखा बच्चे, सॉल्व करोगे तो जो गहराई एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर है वो 4 सेंटीमीटर दिखेगी, देख लो आप। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। सो इसका अजर्शन सही हुआ, रीजन क्या है इसका भाई? अच्छा, ये तो क्वेश्चन ही था, ये तो न्यूमेरिकल था हमारा, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, शाबाश। क्वेश्चन 30, टू ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म्स आर केप्ट टुगेदर कनेक्टेड थ्रू देयर रेक्टेंगुलर साइड। ओके, द लाइट बीम इज पास्ड थ्रू वन साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, विल देयर बी एनी डिस्पर्शन जस्टिफाई योर आंसर। देखो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में 30th में क्या कह रहा है बेटे, मेरे को ज्यादा स्पेस चाहिए होगी इसको समझाने के लिए। 30th क्वेश्चन, शाबाश, एक बार पढ़ लो खुद से। कह रहा है एक प्रिज्म ऐसे हैं और दूसरा प्रिज्म ऐसे है बच्चे, और यहां से हमने लाइट फेंकी, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट ऑफ रे ऑफ फेंक दी, तो होगा क्या? सभी बच्चों को पता है कि जब व्हाइट लाइट सिंगल प्रिज्म पे फेंकते हैं तो वो 7 कलर्स में टूट जाती है, नीचे विबग्योर और ऊपर रेड, है ना, सभी बच्चों को पता है। तो हमने भी यहां से ऐसे ब्रेक कर दिया, ये वायलेट है जो मैंने अभी ड्रा करी, और ये रेड होगी बेटे, ऊपर वाली रेड नीचे वाली वायलेट, बाकी कलर बीच में हो गए। अब जब यहां दूसरा प्रिज्म भी जुड़ा हुआ है अपसाइड डाउन, तो यहां से देखो वायलेट ज्यादा रिफ्रेक्शन दिखाती है और रेड कम दिखाती है, क्यों? एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट का मैक्सिमम होता है, इसीलिए। या सेकंड प्रिज्म में भी वायलेट ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन दिखाएगी और रेड कम दिखाएगी, करेक्ट? और यहां दोनों मिल गई है, देखो मिलके जब वापिस आते हैं साथ के साथ कलर, तो व्हाइट की व्हाइट ही रह जाएगी लाइट। गॉट इट। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी व्हाइट लाइट व्हाइट ही वापिस आ जाएगी, क्योंकि दोनों प्रिजम्स में वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा ग्रेटर देन होएगा रेड कलर में, फर्स्ट प्रिज्म में भी सेकंड में भी। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 कलर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और व्हाइट लाइट व्हाइट ही आ जाएगी, डिस्पर्शन नहीं होगी। ओके, वैसे इसके लिए ये भी जरूरी होता है, मैं बता देना चाहता हूँ, कि एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों के बड़े सावधानी से चूज करने होते हैं, उसका एक फार्मूला होता है, लेकिन वो फिर आपको हायर क्लासेस में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म टू यील्ड ए स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चे, द रे ऑफ विच कलर विल शो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड विच विल शो लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। बेटे इसका आंसर आप बताओगे जिससे मैं पूछूंगा। 10th A में अनामिका करके एक बच्चा है, अनामिका, अगर एब्सेंट है तो कशिश, वो भी एब्सेंट है तो हरिओम। 10th A में अनामिका, कशिश या हरिओम, कोई एक बच्चा है, बस जल्दी करो बच्चे। 10th A नहीं बोल रहे। 10th C में दानिश, 10th C में दानिश, ही इज एब्सेंट। ओके। 10th C में गुरलीन, गुरलीन बच्चे,
Present. Tarun, not present. Yes, sir. बताओ बेटे गुलीन, बताओ बताओ. मैक्सिमम और मिनिमम. हाँ, मैक्सिमम किसका होएगा बेटे, एंगल ऑफ डेविएशन? बोलो, वायलेट का. बिल्कुल सही, वायलेट का मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन था, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर को स्पेलिंग लिखे थे. ये देखो, लाइट ऐसे जा रही थी, वायलेट इधर चला गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का सबसे बड़ा एंगल और रेड कलर का सबसे छोटा. ठीक है, और जो इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये वाला डिफरेंस, ये भी याद होना चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, ये सभी बच्चे नोट कर लो, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको थीटा से लिखते हैं, उसका नाम होता है एंगुलर डिस्पर्शन. एंगुलर डिस्पर्शन नोट कर लो, दोनों एंगल्स का डिफरेंस. बेटे आप बहुत ज्यादा बच्चे एबसेंट हो जाते हैं, देखो थोड़ा सा मौसम क्या खराब हुआ आप एबसेंट हो गए. आप अपने टीचर से पूछना या मैं भी बता रहा हूं आपको, when we were in your age बेटे, तो एक दो बच्चे कभी एबसेंट होते थे क्लास में. अब देखो क्लासे खाली हो गई हैं, ये ठीक नहीं है एटीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 30. अच्छा, इसका 31 के बाद इसका बी पार्ट भी है बेटे. 31 का एक पार्ट हो गया, बी पार्ट भी है बच्चे इसका. ए ब्लू कलर्ड लाइट इज पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म, व्हाट विल बी द कलर ऑफ इमर्जेंट रे? शाबाश, ब्लू कलर की लाइट को फेंका प्रिज्म में, तो कौन सा कलर आएगा बच्चे, कोई बता सकता है? बेटे ब्लू कलर का ब्लू ही रहेगा, ब्लू कलर का ब्लू ही रहेगा. अगर रेड फेंका होता तो रेड का रेड ही आता, ग्रीन फेंका हो तो ग्रीन का ग्रीन ही आएगा. सिर्फ एक ही है व्हाइट, व्हाइट लाइट जब फेंकेंगे तो वो 7 कलर्स में टूटती है व्हाइट लाइट. ठीक है, बेसिकली साइंस में व्हाइट को सिंगल कलर हम बोलते ही नहीं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स मिक्सचर. क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं. स्टेट द काज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द प्रिज्म. हाउ डिड न्यूटन यूजिंग टू आइडेंटिकल प्रिज्म शो दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स एंड ड्रॉ द डायग्राम. ये वो, ये दिखा दी हमने डायग्राम, यही सब कुछ न्यूटन ने करा था. उसने इसको सेपरेट किया, यहां कागज रखा तो उसपे 7 कलर बन गए, जब उसने जोड़ा तो यही सेकंड प्रिज्म है, उसको जोड़ के दोबारा से व्हाइट लाइट निकाल दी. ठीक है, एक उसने और भी तरीका बताया था न्यूटन ने हमें, वो भी सुनो ध्यान से. ये वाला न्यूटन का जो मैं आपको मेथड बताने लगा हूं सेकंड वाला, ये मैंने अपने घर में जो मेरी कार है उसके जो व्हील कवर्स होते हैं उस पे बनाया हुआ, ध्यान से सुनना आपको शायद अच्छा लगे. तो जो मेरी कार का व्हील कवर है ना बेटे, सर्कुलर है नेचुरली, तो मैंने उसके ऊपर 7 कलर्स बना दिए हैं बेटे. 7 कलर्स कौन से? नेचुरली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड से बराबर की ट्रायंगले बनाई है सारी. अब इसमें क्या जानते हो बेनिफिट क्या है, इसमें मजा क्या आता है? जब तो मेरी कार खड़ी हुई है तो मेरे नेबर्स को, मेरे फ्रेंड्स को मल्टी कलर्ड फ्लाई व्हील कवर दिखता है, और जैसे ही मैं, अच्छा उनको सी ऑफ करता हूँ, अच्छा यार कल मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ आज, टुडेज गेट टुगेदर टाइम इज ओवर, तो मेरे ये व्हील कवर घूमने लगता है तो सारे कलर मिक्स हो जाते हैं. तो उसे ऑब्जर्वर को कौन सा कलर दिखाई देगा व्हील कवर का, बताओ, योर कॉमन सेंस? व्हाइट दिखेगा, क्योंकि सब तो कलर फास्ट चेंज करेंगे अपनी पोजीशन, उसको ये व्हाइट दिखेंगे ऑब्जर्वर को. जैसी गाड़ी स्लो होगी 7 कलर्स दिखेंगे. तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन डिस्क. यहां से भी प्रूव होता है कि व्हाइट कलर कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स. आप घर में छोटे बच्चे का एक ढक्कन लेके ना, ढक्कन बड़े वाला डब्बे का, उसके ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. कैसे करना है, ढक्कन ले लो, इंटरनेट पे जाओ और उसको बोलो विबग्योर सर्कल,
विबग्योर सर्कल का इमेज आएगा, उसका प्रिंट निकालो, प्रिंट निकालो, यहाँ पर चिपका दो और इस ढक्कन की डिस्क के यहाँ पर एक स्टिक लगा दो और इस स्टिक को तेजी से घुमाओ और ऊपर से देखो, बहुत तेजी से घुमाने पर आपको ये सफेद दिखेगा। गॉट इट? करा आपने ये एक्सपेरिमेंट लैब में? क्वेश्चन नंबर 33। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द अबव फिनोमिना इन द लैब एज व्हाइट लाइट पासिस थ्रू द प्रिज्म। अमंग मेनी अदर कलर्स ही ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट। व्हाट इज दिस फिनोमिना कॉल्ड? डिस्पर्शन। What is the reason of for the violet light to bend more than red light? ये बनी बात। शाबाश। जानते हो क्या पूछा बेटे उसने? उसने 33 क्वेश्चन में पूछा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर देन रेड एंड बाकी सारे कलर से वाई। ये मैक्सिमम क्यों होता है? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? एनीबॉडी? ध्यान से सुनो, योर अटेंशन। देखो इसका जवाब आप ऐसे दोगे, योर अटेंशन। आप कहोगे सर जिस कलर के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा उसी कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मतलब है ज्यादा रिफ्रेक्शन होना और एंगल ऑफ डेविएशन जितना ज्यादा होगा उतना ही रिफ्रेक्शन होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये कहोगे कि काचिस फार्मूला ये कहता था, काचिस फार्मूला, कि किसी पर्टिकुलर कलर के लिए जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है कांस्टेंट अपॉन लैम्डा की पावर 0 एनदर कांस्टेंट अपॉन लैम्डा का पावर स्क्वायर। तो यहां से साफ पता लगता है जिस कलर का लैम्डा ज्यादा होगा या कम होगा, लैम्डा सपोज कम होएगा, उसका म्यू मैक्सिमम होएगा, उस कलर का म्यू मैक्सिमम होएगा। तो देखो ये यहां से लिंक हो गया, इसका मतलब लैम्डा का कम होना जरूरी है। अब तीसरा आप कहोगे सर आपको पता है, स्पेलिंग लिख के देखो आप, मैंने लिखे, आप कहोगे सर मेमोरी टूल ये है, रेड कलर के अंदर लैम्डा छुपा होता है, देखो मेमोरी टूल, उधर को जाते हुए वेवलेंथ बढ़ती है। मैंने कहा गुड, तो आप कहोगे सर इसका मतलब वायलेट की तरफ आते हुए वेवलेंथ कम होती है, फिर वायलेट की तरफ आते हुए वेवलेंथ कम। फिर आप कहोगे सर देखो वायलेट कलर की, ध्यान से सुनना, योर अटेंशन, वायलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ। ओके, अगर मिनिमम वेवलेंथ है तो वायलेट कलर के लिए म्यू मैक्सिमम। कौन कह रहा है? काचिस फार्मूला। कैसे कह रहा है? ये न्यूमरेटर में पड़ा है, ये डिनोमिनेटर में पड़ा है, तो लैम्डा के गिरने से म्यू बढ़ेगा और जितना म्यू बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा। तीनों को मिक्स कर दो बस। आंसर कैसे बनेगा थ्योरी में? आप कहोगे वायलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ, देयरफॉर एज पर काचिस फार्मूला इट हैज मैक्सिमम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर ए पर्टिकुलर मीडियम। एज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, रिफ्रेक्शन इंक्रीजेस, देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम। तीनों पॉइंट नोट कर लो बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर मैंने पेपर डालना हो तो ये जरूर क्वेश्चन सेट करूंगा। तीन पॉइंट बताने पड़ेंगे इसमें, तब आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी गुड। अब हम मॉड्यूल नंबर 3 और 4 पे जा रहे हैं, मॉड्यूल नंबर 3 और 4 असाइनमेंट का। शाबाश। सर एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड। बेटे अभी तो 5 मिनट पड़े हैं मेरे पास, मेरे हिसाब से हाँ पूरे 5 मिनट पड़े हैं, ऐसे मत करो, एक तो आपका लेट शुरू होता है। 5 मिनट दो भाई मेरे को, मेरे काटो मत 5 मिनट, आपने लेट भी इतना शुरू करा आज। अब एक बात सुन लो बस, 5 मिनट दे दो मेरे को। जब भी TIR आए तो आपने, आप तो कल को पूछ ले आपसे कि क्या सन जब राइज करता है उसी वक्त राइज करता है, हमें दिखना शुरू कर देता है? आप कहोगे जब सन राइज करता है ना उससे पहले ही आपको अपियर होता है, अपियर्स अर्लियर देन सन, एक्चुअल सनराइज, अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज। और सन सेट क्या क्या होता है? आप कहोगे सर सन जो सेट होता है ना उसके बाद भी दिखता रहता है,
appears even after actual sunset. यहां भी एक्चुअल लिख दो. ये इन दोनों का कारण अगर बताया जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. अब इसमें 35वां क्वेश्चन देखो बेटे, 35. व्हेन द लाइट एंटर्स, हाँ यही मैं बता देता हूं डायरेक्टली, बस समझा देता हूं आपको. इसको जो मैं अभी समझा रहा था ना, ये वाला सनराइज वाला, इसका रीजन पूछ रहा है बच्चे को. शाबाश, ध्यान से देखो. अगर ये मेरा अर्थ है ना बेटे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे 8 किलोमीटर की हाइट पर चले जाओ, 8 किलोमीटर अप्रोक्स. यहां यहां पर आपका एटमोस्फियर होता है, यानी कि एयर. ये आपका एटमोस्फियर है, इसके ऊपर है ही नहीं एटमोस्फियर. गॉट इट? इसके ऊपर चले जाओगे तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा. अब दोपहर के वक्त क्या होता है? दोपहर के वक्त जब सन बिल्कुल टॉप पर होता है तो लाइट ऐसे आया, तो यहां पर ये जो व्हाइट लाइट आया बेटे, इसके 7 कलर्स जो होते हैं व्हाइट लाइट के, उन सभी को सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर ट्रेवल करना है इस ऑब्जर्वर की आंखों तक आने के लिए. ओनली 8 किलोमीटर, राइट? लेकिन जब सन राइज करता है, देखो ये अर्थ का कर्वेचर है, जब तक सन यहां होएगा तो उस बंदे को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं पड़ रहा. तो वो जब यहां पर होता है ना, यहां, तो ये देखो सन जब यहां पर है, तब उसकी आंख में लाइट को आने के लिए यहां से लेकर यहां तक इतना डिस्टेंस एटमोस्फियर में कवर करना पड़ता है, इतना डिस्टेंस. ये अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर होता है बच्चे, टेढ़ा होने की वजह से लगभग उससे 3 गुना. तो 21 किलोमीटर में जब आता है ना ये, तो रास्ते में लाइट स्कैटर होती है, बिखरती है. और मैं आपको बताना चाहूंगा इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, जो कलर ज्यादा बिखर जाएगा वो दूरी कम ट्रेवल कर पाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4. ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था ये? रेल्फ ने. रेल्फ, देखो अब लैम्डा किसका सबसे ज्यादा होता है? लैम्डा रेड कलर का, रेड कलर का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है बेटे, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे मिनिमम होगी फिर. ओके, तो इसलिए बाकी कलर तो रास्ते में बिखर जाते हैं, सिर्फ रेड और ऑरेंज ही पहुंच पाते हैं. इसलिए मॉर्निंग का जो सन होता है, या इधर इवनिंग का जो सन सेट वाला सन होता है, उन दोनों को 21 किलोमीटर लाइट ट्रेवल करनी पड़ती है वहां से एटमोस्फेयर में. तो हमारे पास बाकी कलर रास्ते में बिखर जाते हैं, लेकिन रेड कलर और ऑरेंज कलर बिखरते बिखरते भी आंख तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं ऑब्जर्वर की. इसीलिए मॉर्निंग सन और इवनिंग सन दोनों ऑरेंज रेड कलर के होते हैं. ओके, ऑरेंज रेड. सो अगला क्वेश्चन जो 36 है, वो हम फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं. क्लियर है? जिन जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव, गिव द इंडिकेशन टू द टीचर बेटे, प्लीज. इतना जो ड्यूटी बनता है आपका. ओके, थैंक यू, थैंक यू. और एक बात याद रखना है, व्हाट इज ग्रेजिंग प्रोसेस, व्हाट इज ग्रेजिंग, ये पेपर में पूछा जा चुका है आपके फाइनल में, याद रखना. थैंक यू.